हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारे यहाँ तो बहुत बारिश दे रहा है। आप क्या, आपके वहाँ बारिश दे रहा है? प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो काफ़ी दिनों से मैंने कोई ऐसा रेसिपी का वीडियो नहीं बनाया था, तो आज मौसम भी अच्छा है तो अचानक से मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि क्यों ना ये रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये एक्चुअली एक पीठा का रेसिपी है जो मेरी नानी, जब मैं छोटी थी बचपन में, मेरी नानी बहुत हमें बनाकर खिलाया करती थी। इसका नाम है पानी पीठा और हमारे घर में तो इसे बुरबुरिया पीठा बोलते हैं। हमारे घर यानी मेरे मम्मी के घर पे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप राइस फ्लोर। ये राइस फ्लोर जो है जो स्टिकी नहीं होना चाहिए, स्टिकी चावल का नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल जो हम लोग खाना खाते हैं उसी चावल का हमें ये राइस फ्लोर लेना चाहिए। थोड़ा सा सॉल्ट मैं ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा आटा 1/2 कप से भी कम थी, और थोड़ा सा एम ऑयल ताकि जो हमारा पीठा इसे मैं बनाऊंगी वो स्टिकी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा एम ऑयल ऐड कर देते हैं। फिर थोड़ा सा पानी, और फिर एक चम्मच की मदद से इसे हम अच्छी तरह से पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट जो है वो स्टिकी नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छा से बनाना चाहिए। बचपन में जब मेरी नानी बनाती थी ना, तब तो मैं देखा नहीं करती थी, सिर्फ खाया करती थी। तो फिर इसे ये रेसिपी को देखने के लिए फिर मुझे मेरे मम्मी से पूछना पड़ा कि किस तरह बनाते हैं। तो मेरा मम्मी ने मुझे फ़ोन पर बताया कि ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो बस उसी जानकारी के तरफ से मैं बस ये बना रही हूँ। ये ना एक असमिस ट्रेडिशनल पिठा का रेसिपी है जो शायद हर कोई असमिस हाउस होल्ड में, ये बहुत ही कॉमन है। अगर एक असमिस होके अगर ये पिठा नहीं खाया तो क्या खाया। आप लोग ना मेरे कढ़ाई को ट्रोल मत कीजिए, क्योंकि मेरा कढ़ाई जो है ना वो कभी कभी हम आग में भी बनाते हैं, तो इसलिए कढ़ाई का हालत ऐसा हो चुका है। तो थोड़ा सा एम ऑयल मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ और कढ़ाई को इस तरह से घुमा देती हूँ। ध्यान रखिएगा कि एम ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहिए, बस थोड़ा सा ही देना चाहिए, और कढ़ाई को ऐसे घुमाकर तेल को सब तरफ में जाने के लिए दीजिए। तेल गर्म हो चुका है, फिर और एक बार मैं इसे इस तरह से हिला देती हूँ ताकि जो गर्म होने वाला तेल है वो सब तरफ अच्छा से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इस तरह एक स्कूप की मदद से मैं जो मिक्सचर है यहाँ डालूँगी, और डालने के साथ साथ इसे हम इस तरह से कढ़ाई को घुमा घुमा कर उसे गोल करेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर से गोल हो रही है, जबकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। बचपन में तो नानी बनाकर खिलाती थी, तो अभी बस उसी रेसिपी को मम्मी की मदद से थोड़ा पूछकर मैं ट्राई कर रही हूँ। तो बुरा नहीं है, बस अच्छा ही बन रहा है। तो इस तरह से थोड़ी देर ढक दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। तो अभी मैं इसे एक बार हिलाकर, थोड़ा सा चिपक गया है तेल, ज़्यादा इसने खींच लिया है। और ध्यान रखिए कि गैस भी, जो स्टीम गैस भी थोड़ा सीम में रखिए, ज़्यादा हाई मत कीजिएगा। फिर और एक बार ढक देती हूँ। तो अभी जो मेरा पीठा, भुरभुरिया पीठा है, वो अभी पक चुका है। फिर इसी तरह इसी सेम प्रोसेस से मैंने और एक तैयार किया है जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखिए ये साइड में तो पक चुका है, अभी और इसका जो नीचे का साइड है उसे हम पकने के लिए कढ़ाई पर छोड़ देते हैं।
तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। बाय बाय।